गिर, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। और भाई बैक टू माई न्यू वीडियो। आज तारीख है 23 और मुझे जाना है कई काम से, तो अभी फटाफट मैं जाऊँगा मेट्रो से, क्योंकि भाई बाहर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है। यहाँ ऐसे इसमें हमने ना ये लगा रखी है ताकि कबूतर अंदर ना आए। देख रहे हो ना सामने एक कबूतर भाई साहब बैठे हुए हैं, ये देखो ये सामने जो कबूतर भाई बैठे हैं ना, तो ये आके हमें यहाँ से धप्पा दे देते हैं और सीधा अंदर घुस जाते हैं यहाँ से। तो इस वजह से इसको यहाँ लगा रखा, और अभी जाऊँगा मैं थोड़ा काम से, मेट्रो से ही जाऊँगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है। और चलते सीधा सबसे पहले बिना बात करे और सिनेमैटिक्स देखना रास्ते के, कैसे मैं जल्दी जल्दी, मतलब बस ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधा मिलेंगे आपको मेट्रो स्टेशन पर। छाता लेके चले ना साथ में, सारा जुगाड़ लेके चलते हैं। सक्सेसफुली घर पे आ चुका हूँ बिना भीगे हुए बारिश में। भाई सुबह से अब हो चुका है, ये टाइम आ चुका है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है बिल्कुल भी। हमारे घर पूरा इधर पूरी दिल्ली में बारिश रुक ही नहीं रही। और सबसे पहले आते ही सबसे पहला काम क्या होता है, अपने छाते को सुखाना। और भाई अभी आते ही भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो अम्मी से कह दिया, अम्मी ने रोटी डालने के लिए अभी अंदर गई हैं, बस अभी आएंगे और हमारे लिए रोटी भी डाल देंगी, खाना खाएंगे और फटाफट चलेंगे, क्योंकि अभी 4 बज रहे हैं तो टाइम थोड़ी देर में अज़ान भी होने वाली है उसकी असर की, तो नमाज भी पढ़ने चलेंगे। और अभी मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है इतने तो चार्ज भी हो जाएगा। और अभी एक बहुत बढ़िया कांड हुआ है मेरे साथ में, वो भी दिखाऊंगा मैं कि क्या हुआ है, तो बने रहना एंड तक। जा चुकी है अपनी रोटी और भाई ये बन चुकी है हमारी करारी वाली रोटी। तो भाई जिसको भी करारी वाली रोटी अच्छी लगती है ना, वो एक बार ज़रूर बताना कि करारी रोटी आपको अच्छी लगती है, मतलब बिल्कुल रोटी को करारी कर देते हैं और भाई मज़ा आ जाता है उस रोटी को खाने, मतलब जिससे भी खाते हैं मज़ा आ जाता है पूरा पूरा। तो आप जल्दी से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे दोस्तों। जब जल्दी से खाना खाते हैं और मिलते हैं आपको बाद में। ये देखो भाई अभी आया थोड़ा बहुत फोकस, ये देखो ये यहाँ से टूटा, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। और भाई बस ये पता है वीडियो बनाते हुए ना एकदम ऐसे बस यूँ गिरा स्क्रीन की तरफ से और सीधा जाके धमक टुपक हो गया और हमारे साथ में लॉल हो गया, मतलब हमारा लॉल कट चुका है। और अभी देखते हैं इसका मैं टेम्पर्ड अभी नहीं बदलवाऊंगा, क्योंकि यार मैंने ना एक बार और बदलवाया था इसका, तो भाई लगते ही दिन ऐसा क्या हुआ था, यहाँ से एकदम लाइन आ गई थी। देख लो ये देखो लाइन जो आ रही है ना, दो दिख नहीं रही है ऐसे, लेकिन वैसे दिख रही है इन वीडियो में। तो भाई दो लाइन आ गई थी मेरे लगवाने उसी दिन, तो मैं अभी लगवा ही नहीं रहा, इसी वजह से मेरे पास दो बार ऐसे हो चुका है कि भाई सेम यही चीज़ हो चुकी है दो बार कि मैं इसमें शूट करता हूँ, उसमें थोड़ी क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही होगी। 3 2
हाँ जी, तो मैं बता रहा था आपको कि ना मेरे इस वाले आईफोन में क्या हो रहा था कि भाई बार बार ना मैं जैसे एक टेम्पर्ड लगवाता था अपने फ़ोन पे, तो टेम्पर्ड लगते ही दिन, लगने वाले ही दिन अपना आप क्रैक हो जाता था यार। मेरे 2 बार ऐसी हो गई, मेरे 100 150 200 रुपये भी वेस्ट हो गए। अब मैंने इस वजह से ना दूसरा लगवा नहीं रहा हूँ जानबूझ के, मैंने कहा लगते ही ख़राब होगा, तो एक बारी में दोबारा आप सही से लगवा दूँगा। थोड़ा टाइम अब वेट करूँगा और फिर लगवाऊंगा, क्योंकि ना अभी थोड़ा बरसात का मौसम भी हो रहा है और मेरे हाथ से फ़ोन बहुत ज़्यादा छूट रहा है। तो अभी वीडियो बनाते बनाते भी देखो मैंने दिखाया छूट, मतलब कैसे छूटा था, मतलब कैसे छूटा नहीं, मतलब इन द सेंस मेरे हाथ से कैसे गिर गया था। अम्मी निकाल रही है घी, मलाई वाला घी हमारे घर पे प्रॉपर एक अच्छा जो होता है ना, कौन सा घी बोलते हैं अम्मी से, अम्मी जो अपने घर पे निकालते क्या बोलते थे घी को, असली घी, असली घी है भाई, कोई नकली घी नहीं है। नकली घी देखो इन कनस्तरों में होता है लेकिन हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। ये क्या सच्चाई दिखा दी, नहीं भाई हम यही वाला घी खाते हैं, असली घी जिसे कहते हैं, है नहीं अम्मी? Yes. हमारे माँ ने पेवर पेवर माल खिलाती है, मैं कोई नकली नुकली ऐसा ही नहीं खिला देती है, तभी तो हम इतने खड्डी बोड्डी हुई है हमारी, है अम्मी? बताती क्यों नहीं? Yes. बिल्कुल सही बात है ये। Yes. क्या यही बात है? Yes. अच्छा एक सरप्राइज दिखूँ आपको, एक सरप्राइज दो, एक बहुत बड़े कांड हुआ मेरे साथ में अभी। Yeah. दिखाऊँ? ये देखो ज़रा, ये देखो जी अम्मी, ये रहा सरप्राइज गिफ्ट। ये क्या कर रहा है? गिर गया वीडियो बनाते बनाते। अरे बदतमीज, ऐसी वीडियो यूं करके शूट कर रहा था तो ये पतला सा तो है ही, और यूं करते करते और यूं हाथ से यूं निकल गया हाथ से ऐसे ऐसे करके, और बस सीधा जमीन पे। तुमने तो ये देखो, अम्मी ने खाना भी बना दिया रात का, कितने बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 8, और अम्मी ने खाना भी बना दिया अभी थोड़ी देर पहले। मैंने दोपहर का खाना खाया है 4 बजे, और अभी मुझे खाना खिलाओगी? नो, मुझे नहीं खिलाओगी, मुझे भूख सड़ाओगी हैं? क्या क्या क्या? जिसकी मर्जी वो खाएं, ऐसा तो नहीं चलता भाई, ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल मॉम। व्हाई दिस इज नॉट एप्लीकेबल? ओ माय गॉड योर लुक्स। सो गाइज, अभी तो मैं नहीं खाऊंगा खाना, लेकिन खाना मैंने तैयार कर दिया है, थोड़ी देर में खाऊंगा। कौन से वाले चावल से बनाएंगे? राशन के चावल से, फिर अच्छे वाले चावल, अच्छे वाले चावल से बनाएंगे गाइज, अच्छे वाले चावल से बनती है हमारे घर में तहारी, कभी वो काली दाल की खिचड़ी, कभी कभी इस वाले चावल से भी बन जाती है, ये वाले चावल से भी बनती है कभी कभी, तो अभी तो बहुत टाइम, लेकिन आज बनी है ये वाला। और एक महीने बाद चालू हो रहा है, कौन जा रहा है बिग बॉस में? हर्ष बेनीवाल। कहाँ कहाँ से न्यूज ला रहे हो तुम निकाल के? ओह शिट, अम्मी का अच्छे नहीं लगे अम्मी को, तो चलो कोई बात नहीं गाइस, अब हम आपको मिलेंगे अपने खाने खाने के टाइम पे, क्योंकि मेरा भी भूख नहीं लग रही है, मुझे जब भूख लगेगी मैं तब खाऊंगा और तभी वीडियो बना के और एंड कर दूंगा वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा कुछ ऐसा दिखाने के लिए है नहीं। और ओके, मिलूंगा खाने के टाइम पे। गाइज मेरा भी मन बदल चुका है और अब सीधा आ चुका है हमारे सामने खाना, अम्मी की फरमाइश है, मतलब हमारी फरमाइश है, चटनी थी तो चटनी आ गई। चटनी के आने के कारणवश हमको अभी खाना पड़ गया, क्योंकि हमने एक कमिटमेंट दे दी थी अम्मी को कि अगर टमाटर की चटनी होगी तो खाऊंगा, लेकिन अम्मी ने टमाटर की चटनी एकदम लाके प्रकट कर दी, और ये देखो अब जल्दी से खाते और बिल्कुल ख़त्म करके मिलता हूँ आपको। सो गाइज, टाइम हो चुका है 9:30 हो रहे हैं वैसे तो, और बिल्कुल अभी मैं नमाज़ पढ़ गया हूँ ईशा की। और हाँ भाई, कितनी देर में आ रहा है बर्गर? अरे टाइम दिखा नहीं रहा, टाइम नहीं दिखा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? और किसके व्लॉग देख रहा है ये? 32 मिनट। डिम्पल मलहान भाई, हेयर स्टफ दिखा कर पता कितने बढ़िया व्लॉग बनाता हो, तू एक बार सब्सक्राइब करके देख और फिर बताइयो कि व्लॉग कैसे हैं या कैसे नहीं है, देखियो एक बार। क्या देख रहा है, क्या बना रहा है तू अभी? ब्लेंडर आती भी है चलाना है, बस फड्डे मार रखा मैं, खा गया फड्डे मारने आते हैं, कुछ करके तो दिखाई, इसमें कुछ बना तो दे बस, स्क्वायर स्क्वायर तो हर किसी के सामने आ जाता है, बना के दिखा कुछ, इसको लाइव दिखा, देखो गाइस ये चलता है ब्लेंडर, हमारे छोटे वाले भाई ये दिखाएंगे बना के, दिखा भाई। वाओ, ये देखो कि इमेज कितनी अच्छी बनाई है मैंने, चला जा परे। गाइस जिसका मुझे
बेसब्री से था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो बर्गर आ गए हैं, आ गए हैं और आ गए हैं। हाँ भाई जल्दी से खोल के हल्के कर दे काम को। वो भी आया ना, ये फ्रेंच फ्राइज ओवरलोडेड चीज के साथ में। आज पैकिंग अलग क्यों दी है भाई? चेक करो अपने ओवरलोडेड क्या है, ओवरलोड मेरा तो नाम फ्राइज ओवरलोडेड फ्रेंच फ्राइज और साथ में बर्गर क्लब। हमने दो बर्गर मंगवाए, ओवरलोडेड फ्राइज मंगवाए, साथ में एंटरटेनमेंट के लिए अपने लैपटॉप पे मूवी चलाएंगे और खा के इसको करते हैं ख़त्म। और करता हूँ मैं यहीं पे ब्लॉग को एंड। आई होप आपको ब्लॉग थोड़ा बहुत उतना से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तब मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।